बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है, जो अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुंझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। शेष राज्य का दर्जा देने की बात केंद्र के द्वारा की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री का भी ये मांग था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और इसलिए हम लोग पटल पे जाएंगे और ये झुंझुना माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। नेताओं का, मंत्रियों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वहाँ से इस्तीफा दें और बिहार की जनता के हक में, जनहित में वो इस्तीफा देकर और विशेष राज्य के दर्जा के लिए वहाँ प्रोटेस्ट करें, हम लोग उनके साथ रहें। जदयू विधायक दल और एनडीए में भी उन्होंने कहा कि जरूर मिलेगा हमें, नाम कुछ भी हो लेकिन हमें जो मिलना है बिहार के विकास के लिए वो मिलेगा, बिहार विकसित राज्य बन के रहेगा केंद्र सरकार के साथ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ये बात कह दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री ने ये जवाब दे दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखिए, आरजेडी के नेता एक तरफ जहां कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब समर्थन वापस लेना चाहिए, वहीं दूसरी ओर शकील अहमद खां हैं जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वो झुंझुना बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने यही झुंझुना दे दिया है बिहार के सत्ता पक्ष को, अपने अलायंस पार्टी को, जेडीयू को। तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब बिहार विधानसभा पहुंच रहे हैं, ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंच चुके हैं और कांग्रेस जो नेता है, विपक्ष जो नेता है, वो झुंझुना बजा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और यहाँ जो कांग्रेस नेता है वो झुंझुना बजा रहे हैं। ये अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिहार विधानसभा की तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और विपक्षी नेताओं का जो हंगामा है वो जारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा से, नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंचे हैं और तमाम जितने विपक्ष नेता हैं वो हंगामा कर रहे हैं। देखिए सदन की सीढ़ियों पर तमाम जितने आरजेडी के, कांग्रेस के और लेफ्ट पार्टी से जो विधायक हैं वो कैसे हाथों में पोस्टर बैनर लेकर वो हंगामा कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तमाम जितने आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं, विपक्ष नेता हैं, वो सभी सदन की सीढ़ियों पर हंगामा कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहने की कोशिश की वो हमने आपको सुनवाया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा से। अब ये नीतीश जी के ऊपर है, बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है, जो अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुंझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। तो इसीलिए हम ये झुंझुना लाए देंगे आज सरकार को, सरकार के पटल पर रखेंगे। ये लीजिए झुंझुना जो आप कह रहे थे, तो आप तो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चन के आंसर में ये बात कह दिया कि बिहार को मिलेगा झुंझुना। कांग्रेस जो नेता हैं वो बिहार विधानसभा में झुंझुना बजा रहे हैं, ये झुंझुना लेकर क्यों? विशेष राज्य का दर्जा देने की बात केंद्र के द्वारा की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री का भी ये मांग था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और इसलिए हम लोग पटल पे जाएंगे और ये झुंझुना माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। चूंकि झुंझुना दर्जा, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि यहाँ के किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, 16 घंटा बिजली मिल रही है, नहरों के 1.5 इंच तक पानी मिल रहा है, इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ये झुंझुना जरूर देंगे, झुंझुना देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंच भी रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, झुंझुना बजा रहे हैं शकील अहमद खां सर, झुंझुना बजा रहे हैं आप? हाँ, ये झुंझुना भाजपा ने पेश किया, किसको? जनता दल यू को पहले दिया, फिर और पार्टनर को दिया है, तो भारत सरकार ने जो दिया है तो ये झुंझुना हम लोग थमा रहे हैं। तो किसको दीजिएगा झुंझुना? पटल पे रख देंगे, दीजिएगा। मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, आप बोलिएगा उनको। हाँ, सबको बोलेंगे, समर्थन सबको बोलेंगे, एकदम उनको वापस लेना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा? नहीं। देखिए शकील अहमद खां हमारे साथ हैं, झुंझुना बजा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है? मना कर दिया गया। यह बहुत खेदजनक, बहुत खेदजनक बात है और बहुत ही कंडेमेबल है कि जिस सरकार में जनता दल यूनाइटेड है और जनता दल यूनाइटेड दावा करती रही है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा उनका एजेंडा रहा है, यद्यपि ये हम लोग का एजेंडा शुरू से रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग साथ भी काम किए हैं। तो अभी जनता दल यूनाइटेड और उनके नेताओं का, मंत्रियों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वहाँ से इस्तीफा दें और बिहार की जनता के हक में, जनहित में वो इस्तीफा देकर और विशेष राज्य के दर्जा के लिए वहाँ प्रोटेस्ट करें, हम लोग उनके साथ रहें।
आपको पता होगा जब कांग्रेस का शासन था तब वो खुद ही झुंझुना बजा रही थी, उन्होंने कुछ मांग नहीं की बिहार के लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की है और उन्होंने आश्वस्त किया है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो या पैकेज हो, कल जदयू विधायक दल और एनडीए में भी उन्होंने कहा कि ज़रूर मिलेगा हमें, नाम कुछ भी हो लेकिन हमें जो मिलना है बिहार के विकास के लिए वो मिलेगा, बिहार विकसित राज्य बन के रहेगा केंद्र सरकार के साथ। तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन अंदर भी होगा, नीतीश कुमार को हम झुंझुना देंगे, झुंझुना उन्होंने पहले ही बजाया हुआ था, उन्होंने जब उनका शासन काल था तो उन्होंने झुंझुना दिया था देश को और राज्य को भी, तो अभी तो उनके लिए झुंझुना तो उनके लिए बजता ही रहेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, विपक्ष नेताओं ने क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कम शब्दों में, धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। अब देखना यह है क्या मालूम होता है, अब सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी क्या हंगामा होगा उससे आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।